हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही इजी तरीके से बिनने वाला बेबी स्वेटर लेकर आई हूँ। इस बेबी स्वेटर को आप नीचे इनर की तरह भी पहना सकते हैं और बेबी फ्रॉक की तरह भी पहना सकते हैं। ये मैंने 1.5 महीने से 3-3.5 महीने के बच्चे के लिए बनाया है। बहुत ही हल्का डिज़ाइन मैंने इसमें रखा है, उल्टे फंदों का इसमें मैंने बॉर्डर बिना है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ईजी है। आप चाहें तो इसे पूरा प्लेन भी बना सकते हैं और पूरा डिज़ाइनदार भी बना सकते हैं। मैंने इसमें बहुत नीचे बॉर्डर के ऊपर 16 सिलाइयों का सिर्फ डिज़ाइन दिया है, बाकी मैंने इसे सीधा और उल्टा ही बिना है। बिनना बहुत आसान है। अगर आप नए नए नीटिंग सीख रहे हैं या आप बिनना कुछ चाहते हैं छोटे बच्चे के लिए, तो आप इसे इस तरीके से देख के बिन सकते हैं। मैंने इसमें फैंसी फंदे लिए हैं, आप इसमें प्लेन फंदे भी ले सकते हैं। फंदों पर मैंने इसमें 52-52 फंदे दोनों तरफ लिए हैं, आगे और पीछे के पल्ले में, और दो दो फंदे ऊपर की तरफ बढ़ाए हैं क्योंकि मेरा 54 फंदों पे डिज़ाइन सेट हो रहा है। यहाँ पर देखिए, मैंने इसका एक कैप भी बना रखा है छोटा सा। कैप का वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ, आप उसमें से देख के सीख सकते हैं। यहाँ पर अभी मुझे इसके सॉक्स बनाने हैं, तो जब मैं सॉक्स बनाऊँगी तो आपको इसका वीडियो ज़रूर दिखाऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस खूबसूरत से, प्यारे से और बहुत ही ईजी बेबी स्वेटर को बनाना। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, मैंने बॉर्डर तैयार कर लिया है। बॉर्डर क्योंकि बहुत इजी था मेरा, दोनों तरफ से उल्टा उल्टा ही बिनना है, तो इस वजह से मैंने बॉर्डर का दिखाया नहीं है आपको बिनते हुए। बस आपको फैंसी फंदे ले लेने हैं, फैंसी फंदों का वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप प्लेन फंदे भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो बॉर्डर है वो रॉन्ग साइड से शुरू किया है, क्योंकि मेरा जो डिज़ाइन है वो रॉन्ग साइड से शुरू होगा, इस वजह से मैंने फर्स्ट रो रॉन्ग साइड से बॉर्डर की बिनी है और मेरी लास्ट रो राइट साइड से बॉर्डर की कंप्लीट हुई है। टोटल मैंने इसमें 10 सिलाइयों का बॉर्डर बनाया है, दोनों तरफ से सिर्फ उल्टा उल्टा ही बिना है। अब हम यहाँ से डिज़ाइन को शुरू करेंगे। यहाँ पर देखिए, हम रॉन्ग साइड पे हैं, रॉन्ग साइड पे हम डिज़ाइन को शुरू करेंगे। डिज़ाइन हम सेकंड कलर से अपने बिनेंगे। अगर आप सेमी कलर से बिन रहे हैं तो आप इसे कंटिन्यू रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने वाइट से डिज़ाइन लिया है, तो मैं वाइट के पहले 5 फंदे जो हैं, सबसे पहले सॉरी, हम इस पर बेसिक रो से शुरू करेंगे, यानी कि बेसिक रो पे हम 2 फंदे बढ़ाएंगे। 2 फंदे हम 5 फंदों के अंदर बढ़ाएंगे। मैं बिल्कुल कॉर्नर पर फंदे नहीं बढ़ाती हूँ, उससे जो है वो कोना सा निकल आता है। तो यहाँ पर हम 5वें फंदे पे, इस फंदे पे देखिए, इस तरीके से 1 फंदे को बढ़ा लेंगे। 52 फंदों का हमने बॉर्डर बनाया है, 52 स्टिच का हमने बॉर्डर लिया है और 2 स्टिच हम यहाँ पर और बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पर हमारे देखिए 5 फंदों के 6 फंदे हो गए। अब यही हम पूरा उल्टा बिनते हुए यहाँ पर जो हमारे ये 5 फंदे हैं, इन पर 1 फंदे को बढ़ाएंगे। सिर्फ मुझे यहाँ पर 2 फंदे ही बढ़ाने हैं क्योंकि मेरा डिज़ाइन 54 फंदों का है। अगर आप कोई और डिज़ाइन डाल रहे हैं तो आप नीचे बॉर्डर से ही फंदों को बना सकते हैं। तो हम लास्ट तक पहुँचते हैं उल्टा बिनते हुए, इस तरीके से देखिए। यहाँ पर देखिए, हमने पूरी रो कम्प्लीट किए, 5 फंदे हमारे रह गए। इन 5 फंदों पर हम 1 फंदे को बढ़ा लेंगे। यहाँ से हम इस तरीके से फंदे उठाएंगे। फंदे आप किसी भी तरीके से बढ़ा सकते हैं, जिस भी तरीके से अगर आपको आते हैं। नहीं आते हैं तो इस तरीके से एक फंदे के नीचे से एक फंदा ले लीजिए, उसे बिन लीजिए उल्टा और बाकी पीछे वाले सभी फंदों को उल्टा ही बिन लीजिए। तो यहाँ पे हमारी बेसिक रो जो हम बिन रहे हैं फर्स्ट रो डिज़ाइन की, वो कम्प्लीट हुई है उल्टा बिनते हुए। अब हम राइट साइड की तरफ आएंगे। राइट साइड की जो हमारी बेसिक रो सेकेंड है, वहाँ पर हमें पूरी ही रो को सीधा बिन लेना है, कुछ नहीं करना है। ये जो डिज़ाइन है इसमें 2 बेसिक रो बिनी जाती हैं, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर 2 बेसिक रो बिनी है। रॉन्ग साइड की तरफ मैंने 2 फंदे उठाए हैं और राइट साइड की तरफ पूरी ही रो को सीधा बिनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। तो कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरीके से यहाँ पर मेरी 2 रोज कंप्लीट हो गई हैं। बॉर्डर के बाद मैंने यहाँ पर 2 रो बिनी है, रॉन्ग साइड से शुरू किया है और राइट साइड पर कंप्लीट हुई है दूसरी सिलाई। अब यहाँ पर हम देखिए दोनों ही कलर को चलाएंगे, क्योंकि हमारा डिज़ाइन इस तरीके दोनों ही कलर का है, इस वजह से हम दोनों कलर को चलाएंगे। तो पहले हम सबसे पहले जो फंदा है वो हम उतार लेंगे, उसके बाद 4 फंदे हम उल्टे बिन लेंगे। 1, 2, 3 और 4, 4 फंदे उल्टे बिने। देखिए, पहला फंदा उतारा और 4 फंदे उल्टे बिने। अब हम जो हमारा जो बॉर्डर का कलर है, उस पर्पल कलर जो है हमारा, वो हम उसके 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 और 2। तो शुरुआत के हमने पहले फंदे उतारा, 4 फंदे उल्टे बनाए, फिर सेकंड कलर से हमने 2 फंदे उल्टे बनाए, फिर हम वाइट कलर से 4 फंदे उल्टे बनाएंगे। डिज़ाइन हमारा उल्टा और सीधा ही बिना जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, 4 फंदे उल्टे बनाए इस तरीके से, पहला फंदा उतारा, 4 फंदे उल्टे, 2 फंदे फिर से कलर चेंज करते हुए उल्टे बनाए, फिर कलर चेंज किया, फिर 4 फंदे उल्टे, फिर कलर चेंज करेंगे, 2 फंदे उल्टे।
तो यहाँ पे जो आप बॉर्डर का कलर लगा रहे हैं उससे आपको सिर्फ दो फंदे उल्टे बनाने, बाकी जो आपने सेकंड कलर लगाया उससे आपको चार चार फंदे उल्टे बनाने। देखिए इस तरीके से हमारी रो कंप्लीट हो गई। देखिए चार फंदे उल्टे सफ़ेद कलर से और पर्पल कलर से हमारे दो फंदे उल्टे। अब हम राइट साइड की तरफ है, पहले फंदे को उतार लेंगे और बाकी के जो चार फंदे हैं उनको हम सीधा बिनेंगे। एक, दो, तीन और चार, चार फंदे हमने उतार लिए, सीधे बिन लिए हैं। अब देखिए ये जो दो फंदे हमने कलर चेंज करते हुए बिने थे इनको हम ऊन को आगे की तरफ लाएंगे, यानी कि जो पर्पल फंदे हैं उनको हम राइट साइड से उल्टे बिनेंगे। एक और दो, फिर ऊन पीछे कर देंगे। फिर जो हम वाइट कलर से बिन रहे हैं वो चार फंदे हम सफ़ेद बिनेंगे, सॉरी सीधे बिनेंगे। एक, दो, तीन, चार, चार फंदे सीधे बिने। फिर पर्पल कलर को आगे लाएंगे और दो फंदे उल्टे बिनेंगे। जो हमारे पर्पल कलर के फंदे आएंगे, जो दो आप अलग अलग जो आप फंदे बिनेंगे अलग कलर से, उनको आपको राइट साइड से उल्टा बिन लेना है। और जो आप चार फंदे सीधे बिन रहे हैं जिस भी कलर से बिन रहे हैं उनको आपको सीधा ही बिन लेना है, उन फंदों को सीधा उल्टा बिनना है। देखिए दो, एक फंदा उतारा, चार फंदे सीधे बिने, दो फंदे उल्टे बिने, चार फंदे सीधे। इस तरीके से देखिए हमारी पूरी रो कंप्लीट होगी। दो फंदे उल्टे, चार फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, चार फंदे सीधे। तो ये हमारी रो सेकंड कंप्लीट हो गई हमारी डिज़ाइन की। अब हम रो थर्ड पर हैं, पहले फंदे को उतारेंगे और चार फंदे उल्टे बिनेंगे। देखिए पहला फंदा उतारा, चार फंदे उल्टे बिने। अब देखिए ये जो हमारे दो कलर हमें चेंज करते हुए फंदे बिने थे इनको अब हमें वाइट से ही बिन लेना है। तो यहाँ पर हम हर एक फंदे को दो बार ऊन सिलाई पे लेते हुए और उल्टा बिनेंगे। फिर हम दूसरे फंदे को भी सिलाई पे दो बार ऊन लेंगे, देखिए इस तरीके से, एक और दो, और उल्टा बिन लेंगे। फिर ये जो चार फंदे हम बिन रहे थे ये वाले हमारे उल्टे ही बिने जाएंगे। टोटल ये 8 रो का डिज़ाइन है। तो ये हमारी थर्ड रो चल रही है, ये देखिए इस तरीके से चार फंदे हमने उल्टे बिने। अब ये देखिए, अब हमारे जो ये दो फंदे हैं कलर जो पर्पल कलर के, इनको हमें सिलाई पे दो बार ऊन लपेटते हुए उल्टा ही बिन लेना है। देखिए एक और दो, उल्टा बिना। फिर से फंदा लिया, एक और दो, उल्टा बिना। तो ये जो दो पर्पल बीच के फंदे इनको आपको दो दो बार सिलाई पे ऊन लेते हुए बिनने हैं, और जो वाइट सीधे फंदे हैं उनको आपको उसी तरीके से बिन लेना है जिस तरीके से हैं वो, राइट साइड से भी और रॉन्ग साइड से भी। तो यहाँ पे हमने चार फंदे उल्टे बिने। फिर हम इन दो पर्पल फंदों को दो बार सिलाई में ऊन लपेटते हुए उल्टा बिन लेंगे, एक और दो, फिर चार फंदे उल्टे। इसी तरीके से आपको पूरे यहाँ तक फंदे बिन लेने, लास्ट में आपके पाँच फंदे उल्टे आएंगे। तो कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारी रो कंप्लीट हो गई। हम फिर से राइट साइड पर आ गए हैं। राइट साइड पे देखिए हम जो फोर रो बिनेंगे उसके शुरुआत के तीन फंदे हम सीधे बिनेंगे। पहला फंदा उतारेंगे, दो फंदे सीधे बिनेंगे, एक और दो। अब इसके बाद देखिए हमारे पास ये जो हमने जो एक फंदे का दो बार बिना था और दो फंदे, ये इनको हम आगे पीछे करेंगे, यानी कि ये बाहर वाले दो फंदे अंदर कर देंगे और जो हमने ऊन लपेटते हुए बिना था उसको हम बाहर की तरफ कर लेंगे। इस तरीके से खोल लेंगे, फंदा खुल जाएगा, वो लंबा होने के लिए हमने उसे दो बार ऊन को लपेटा था सिलाई में। फिर तीनों ही फंदों को सीधा बिन देंगे इस तरीके से। अब हम फिर से वही करेंगे, तीन फंदे हम उतारेंगे सिलाई से। देखिए एक, दो, तीन, तीन फंदे उतारेंगे और ये जो हमारा आगे वाला फंदा है इसे हम पीछे कर लेंगे और पीछे वाले जो दो फंदे हैं उनको हम आगे की तरफ कर लेंगे। देखिए इस तरीके से ये जो हमारे दो फंदे हैं, देखिए ये वाला फंदा हम आगे की तरफ कर लेंगे। जो हमने दो बार सिलाई पे ऊन लपेटा था उस फंदे को हम तीसरे नंबर पर कर लेंगे और जो पीछे वाले दो फंदे इनको हम आगे की तरफ कर लेंगे। फिर इन तीनों ही फंदों को हमें सीधा बिन लेंगे। रो पूरी हमारी सीधी ही बिनी जाएगी, फोर रो जो है हमारी डिज़ाइन की, इस तरीके से। और इस फंदे को भी हमें सीधा कर लेना है और बिन लेना है। तो यहाँ पर इस तरीके से देखिए आएगा डिज़ाइन। अब हम फिर से वही करेंगे, ये दो फंदे हैं इन दो फंदों को अंदर लाएंगे और जो एक बार जो हमने फंदा दो बार ऊन लपेटते हुए बिना था उसे हम बाहर की तरफ ले जाएंगे। ये डिज़ाइन मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आपको यहाँ पर अच्छे से नहीं समझ में आ रही है तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं, वहाँ पर भी सीख सकते हैं आप जाके। तो यहाँ पर हम फिर तीनों फंदों को सीधा ही बिन देंगे इस तरीके से। फिर यहाँ पर देखिए ये जो दो फंदे हैं मेरे इनको हम अंदर की तरफ ले लेंगे और इस एक फंदे को जो आगे वाला है उसे पीछे की तरफ कर देंगे। सिर्फ हम दो हमको फंदों को आगे पीछे करना है, बाकी बिनना सीधा ही है उसे।
एक और दो, और ये हमारा लंबा वाला फंदा है, इसे भी हम इस तरीके से बिन लेंगे। तो आपको इसी तरीके से पूरी राइट साइड की जो फोर रो है वो कंप्लीट कर लेनी है। दो फंदों को आपको बस अंदर की तरफ ले लेना है, और जो बाहर एक लंबा फंदा हमारा जो बना है, जो हमने दो बार ऊन को लपेटते हुए बिना है, उसे हमें बाहर की तरफ कर लेना है। अंदर आगे वाले फंदों को पीछे कर लेना है, पीछे वाले फंदे को आगे कर लेना है। देखिए तीन फंदे उतारे, पीछे वाले जो दो फंदे अंदर किए आगे की तरफ कर लिए, और आगे वाला एक फंदा पीछे की तरफ कर लिया, और फिर सभी फंदों को हमें सीधा बिन लेना है। तो यहाँ पे हम फोर रो इसी तरीके से देखिए कंप्लीट करेंगे, पूरी फोर रो यहाँ तक कंप्लीट करें, लास्ट में हमारे तीन फंदे सीधे बिने जाएंगे, ये वाले तीन फंदे सीधे बिने जाएंगे। तो कंप्लीट कर लेते हैं, ये देखिए लास्ट के ये तीन फंदे हमारे सीधे बिन कर आए हैं, और ये इस तरीके से डिज़ाइन है। अब हमें यहाँ पर देखिए दो दो फंदे पर्पल कलर से डालने, यहाँ पर जहाँ पे हमने डिज़ाइन को बांधा है वहाँ पे हमें दो दो फंदे पर्पल कलर से बनाने हैं। तो कैसे बिनेंगे रो फिफ्थ हमारी? शुरुआत का हम पहला फंदा उतारेंगे, अगर आप बिनते हैं तो उल्टा बिन लीजिए, वरना पहले फंदे को उतारेंगे, एक फंदा हम उल्टा बिनेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर हमने ये डिज़ाइन को बांधा था, और इसके ठीक आगे वाला जो एक फंदा है, इन दो फंदों को हमें पर्पल कलर से उल्टा बिन लेना है। ये देखिए यहाँ पर हमने एक फंदा उतारेंगे, एक फंदा उल्टा बिनेंगे, और दो फंदे हम पर्पल से बिन लेंगे, एक और दो, जो भी आप कलर लगा रहे हैं उससे आप बिन लीजिए। इसके बाद चार फंदे हम उल्टे बिनेंगे सीधे उस सफ़ेद कलर से, वाइट कलर से, दो तीन और चार। ये देखिए अब यहाँ पर देखिए हमने बांधे हैं दोनों फंदों को इस तरह, ये जो दो फंदे अब ये हमारे पर्पल आएंगे, एक और दो, फिर चार फंदे हम उल्टे बिनेंगे वाइट कलर से। रो पूरी उल्टी ही बिननी है, बस आपको फंदों को थोड़ा सा दोनों कलर से बिनना है, चार फंदे वाइट कलर से और दो फंदे पर्पल कलर से। तो यहाँ पर हमारे चार फंदे हो गए। अब यहाँ पर देखिए हमने डिज़ाइन बांधा है, तो यहाँ पर हम दो फंदे पर्पल कलर से बिनेंगे। तो हमको ये वाली जो पूरी रो है वो इसी तरीके से कंप्लीट कर ली, जहाँ पर ये देखिए लास्ट हमारा एक फंदा उल्टा बिना जाएगा, लास्ट के दो फंदे उल्टे बिन जाएंगे, और दो फंदे जो ये वाले हैं इन पे पर्पल कलर आएगा। ये देखिए इस यहाँ पर, ये देखिए यहाँ जहाँ पर हमने डिज़ाइन बांधा है वहाँ वहाँ पर हमारे पर्पल कलर आएंगे, लास्ट के दोनों फंदे हमारे वाइट ही रहेंगे। तो यहाँ पर हमने रो फिफ्थ कंप्लीट कर लिया। अब हम देखिए रो सिक्स कैसे बिनेंगे। पहले फंदे को हम उतारेंगे, दूसरे फंदे को सीधा बिनेंगे, कलर चेंज करेंगे, ऊन अपनी तरफ लाएंगे, पर्पल कलर के जो दो फंदे हैं इनको हमें उल्टा बिन लेना है राइट साइड से। ये देखिए फिर चार फंदे हम सीधे बिनेंगे वाइट कलर से, सेम वही रो रिपीट होंगे जो आपने नीचे फोर रो रिपीट की है, बस आपको फंदों को थोड़ा सा चेंज करना है, बाकी सेम रो ही बिनी जाएंगी। तो यहाँ पर फिर से हम पर्पल के दो फंदे उल्टे बिनेंगे राइट साइड से, ऊन पीछे करेंगे। ये देखिए फिर चार फंदे हम सीधे बिनेंगे वाइट कलर से, कलर चेंज करेंगे यहाँ पर इस तरीके से, फिर से हम कलर चेंज करेंगे, पर्पल कलर आगे की तरफ लाएंगे, और दो फंदे उल्टे बिनेंगे। तो आपको ये जो सिक्स है वो आपको राइट साइड से इसी तरीके से कंप्लीट कर लीजिए, दो फंदे उल्टे चार फंदे सीधे। यहाँ पर देखिए आपके दो फंदे सफ़ेद कलर के आएंगे। रो कंप्लीट हो गई हमारी देखिए इस तरीके से। अब हम रो सेवन पर हैं, रॉन्ग साइड की रो है, पहले फंदे को उतारेंगे दूसरे फंदे को उल्टा बिनेंगे। अब हम पूरी वाइट कलर से ही रो बिनेंगे, तो जो हमारे दो पर्पल कलर के फंदे हैं इनको हम दो बार सिलाई में ऊन लेते हुए उल्टा बिनेंगे, एक इस तरीके से लिया, दो बार सिलाई में ऊन लिया, उल्टा बिन लिया। फिर चार फंदे ये वाले ये हमारे नॉर्मल उल्टे ही बिने जाएंगे, एक दो तीन चार। फिर ये वाले जो देखिए दो फंदे हैं इनको हम फिर से दो बार सिलाई में ऊन लेते हुए उल्टा बिनेंगे, देखिए इस तरीके से लेंगे, सिलाई में दो बार ऊन लेंगे, एक दो और उल्टा बिन लेंगे। फिर इस फंदे को हम पर्पल कलर के फंदे को दो बार सिलाई में ऊन लेंगे, उल्टा बिन लेंगे। फिर चार फंदे हमारे जो नॉर्मल उल्टे चल रहे हैं इनको हमें इसी तरीके से बिन लेना है। तो एट रो का डिज़ाइन है यहाँ पर हमारा, बहुत ही इजी डिज़ाइन है। आप एक बार नीचे की फोर रो जो कंप्लीट कर लेंगे तो आपको वही फोर रो रिपीट करना है, सिर्फ आपको फिफ्थ रो पे कलर फंदों को थोड़ा सा चेंज कर लेना है। पर्पल वाले दो फंदों को आपको सिलाई में दो बार ऊन लपेटते हुए इस तरीके से उल्टा बिन लेना है, बाकी जो हमारे चार फंदे हैं वो हमारे नॉर्मल उल्टे ही बिने जाएंगे, लास्ट के दो फंदे हम उल्टे बिनते हुए रो को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे देखिए हमारी रो कंप्लीट हो गई है इस तरीके से। अब हम रो एट पर हैं, लास्ट रो है हमारी डिज़ाइन की। कैसे बिनेंगे?
पहले फंदे हम यहाँ पर देखिए, ये वाले अब तीन फंदे हैं हमारे शुरुआत के, ये तीनों फंदे, दो फंदे ये, एक फंदा ये, इनको हम उतारेंगे। आगे वाले जो दो फंदे उन्हें पीछे कर लेंगे, और एक जो ये लंबा फंदा हमारा बन गया इसे हम सबसे आगे कर देंगे इस तरीके से। अब हम इन तीनों ही फंदों को सीधा बिन देंगे, एक और ये वाले पीछे वाले दो, इस तरीके से तीन फंदे सीधे हो गए। अब हम देखिए फिर से तीन फंदे ये वाले उतारेंगे, एक जो हमने दो बार ऊन सिलाई पे लपेटा था और दो हमारे सीधे फंदे, पीछे वाले दो फंदों को आगे कर देंगे और एक इस फंदे को खोलते हुए हम पीछे कर देंगे। ये फंदा हमने लंबा करने के लिए ही सिलाई पे दो बार ऊन को लिया था। तो यहाँ पर देखिए तीनों ही फंदों को हम सीधा बिन लेंगे, तो यहाँ पर हमारा जो डिज़ाइन है वो कम्प्लीट होगा। देखिए ये तीन फंदे उतारेंगे सिलाई से, आगे वाले को पीछे कर देंगे, पीछे वाले एक फंदे को आगे की तरफ कर देंगे। सीधा ज़रूर कीजिए फंदे को, मुड़ा हुआ ना हो आपका, वरना डिज़ाइन आपका थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। फंदों को जब आप खोलते हैं तो इनको सीधा करके ही बिनिए। तीन फंदे सिलाई से उतारेंगे, लंबे फंदे को पीछे कर देंगे, पीछे वाले दो फंदों को आगे की तरफ ले लेंगे, फिर तीनों ही फंदों को सीधा बिन लेंगे इस तरीके से। तो ये हमारा पूरा जो रो है, लास्ट रो, इसी तरीके से कंप्लीट होगा। 8 रो है, यहाँ पर हमारा डिज़ाइन भी कंप्लीट हो गया है। फिर तीन फंदों को सिलाई से उतारेंगे, दो आगे वाले फंदों को पीछे कर देंगे, एक लंबे फंदे को आगे की तरफ ले आएंगे। फंदे को सीधा ज़रूर कीजिए इस तरीके से, देखिए, और सीधा बिन दीजिए तीनों फंदों को, एक दो और तीन। ये देखिए ये कितना खूबसूरत डिज़ाइन बनकर आता है। तो इसको हम इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे पूरी रो को। यहाँ पर देखिए हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। अब यही 8 रो हम फिर से एक बार रिपीट करेंगे, सेम यही 8 रो, तो हमारा जो डिज़ाइन है वो 16 रो का कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं जल्दी से इसको बिन लेती हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने 16 रो अपनी कंप्लीट कर ली है, ये देखिए। तो टोटल हमारी दो बेसिक रो मिलाते हुए 18 रो यहाँ पर कंप्लीट हुई है। अब इसके ऊपर हम सीधा और उल्टा बिनेंगे, यानी कि हम पर्पल कलर की एक जो रो है वो रॉन्ग साइड से उल्टा बिनते हुए लाएंगे। ये देखिए वाइट कलर को हम कट कर देंगे। अगर आप ये डिज़ाइन कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो आप इसे मत काटिए ऊन को, लेकिन अगर आप इसको यही 16 रो तक बनाना चाहते हैं तो आप वाइट कलर को कट कर दीजिए, और बाकी जो आपका बेस है जिसका आपने बॉर्डर बनाया है उसी कलर से आप ऊपर की तरफ पूरी रो को, जो रॉन्ग साइड की रो है, इसे आप उल्टा बिनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। इससे जो हमारा जो डिज़ाइन है यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा और खूबसूरत भी लगेगा। तो यहाँ पर हम पूरी ही रो को पर्पल कलर से उल्टा बिनते हुए कंप्लीट कर लेंगे इस तरीके से। देखिए कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से, पूरी रो हमारी देखिए यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब हम राइट साइड की तरफ आएंगे, ये देखिए अब यहाँ से हम प्लेन बिनेंगे। ये देखिए यहाँ पर देखिए हमने 10 रो का बॉर्डर बनाया, 16 रो की डिज़ाइन डाली, 2 रो बेसिक बिनी और 1 रो हमारी ये उल्टी बिनती हुई कंप्लीट हुई है। अब हमें देखिए यहाँ से सीधा और उल्टा ही बिनना है। अगर आप चाहें तो पूरा ही सीधा उल्टा बिन सकते हैं, डिज़ाइन को स्किप कर दीजिए, लेकिन डिज़ाइन डालने से आपका जो बेबी इनर है वो बहुत ही खूबसूरत बनकर आएगा। आप इसे ऐसे भी पहना सकते हैं, हाई नेक पहना दीजिए, उसके ऊपर इसको पहना दीजिए तो बड़ा खूबसूरत लगता है ये। बाकी आप इसे इनर के लिए भी पहना सकते हैं, बेबी स्वेटर के लिए भी पहना सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपनी राइट साइड की रो कंप्लीट करेंगे सीधा बिनते हुए। देखिए पूरी रो को आपको सिर्फ सीधा सीधा बिन लेना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ से हमारा सीधा उल्टा ही चलेगा। देखिए हमने कंप्लीट कर ली है पूरी रो को सीधा, अब रॉन्ग साइड की रो को हम उल्टा बिन लेंगे। आगे मैं आपको बताऊँगी कितनी रो आपको कंप्लीट करनी है इस तरह से बिनते हुए। यहाँ पर आपको पूरी जो रॉन्ग साइड की रो है ये आपको उल्टा उल्टा बिन लेना है। आप इसमें फंदों को कम ज़्यादा कर सकते हैं, थोड़ा अगर बड़ा बनाना है तो आप 5 से 6 फंदे बढ़ा सकते हैं, छोटा बनाना है तो थोड़ा सा और, अगर इससे छोटा बनाना है बिल्कुल 2 दिन के बच्चे के लिए तो आप इसमें 5 से 7 6 फंदे कम कर सकते हैं। तरीका यही रहेगा आपका बिनने का। यहाँ पर पूरी ही रो को देखिए हम रॉन्ग साइड की रो को उल्टा बिन कर कंप्लीट कर देंगे, सीधा और उल्टा ही बिन लेना है। यहाँ पर देखिए हमने रॉन्ग साइड की रो को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमारा सीधा उल्टा आएगा। अब यहाँ पर हम टोटल इसकी नीट बॉर्डर से लेके और यहाँ तक 44 रोज कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ये हमने यहाँ पर 44 रोज कंप्लीट किए, पूरा यहाँ फर्स्ट ये बॉर्डर के बाद से बेसिक रो से मिलाते हुए और यहाँ तक हमने 44 रोज कंप्लीट किए हैं। अगर आपको थोड़ा छोटा लग रहा है तो आप इसमें 2 रो और भी जोड़ सकते हैं। टोटल इसकी बॉर्डर से लेके यहाँ तक की लंबाई 7.5 इंच की है।
यहाँ पर मैंने 7.5 इंच का ये पूरा यहाँ तक बनाया है। अब देखिए हम इसकी कंधे की कटिंग कैसे करेंगे। यहाँ पर हमें बाजू की कटिंग करनी है, तो दो फंदों को हम एक साथ बिनेंगे। देखिए पहले हम 11 फंदों पर घटाई को लेंगे, तो दो फंदे एक साथ बिने, ऊन आगे की तरफ करेंगे, 7 फंदे उल्टे बिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, तो टोटल हमारे पीछे की तरफ 8 फंदे आ गए। देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, देखिए दो फंदों का एक फंदा किया, 7 फंदे उल्टे बिने। अब हमारे ये वाले फंदे इसी तरीके से कंटिन्यू चलेंगे, तो ये टोटल 8 फंदे हो गए। अब हम ऊन को आगे की तरफ पीछे की तरफ करेंगे और ये जो दो फंदे हैं इन्हें पलटते हुए सीधा करेंगे। पहले 1 और 2, सीधा करना ज़रूरी है, आपका डिज़ाइन गड़बड़ हो जाएगा वरना। तो सीधा करते हुए दो फंदों को एक साथ बिन देंगे, दो फंदों का एक फंदा बना देंगे। यहाँ पर हमने 11 फंदों पर घटाई डाली है, अब हमारे ये 10 फंदों पर हम घटाई को कंटिन्यू रखेंगे। इसी तरीके से हम बीच के सभी फंदों को सीधा बिनते हुए लास्ट के 11 फंदों तक पहुँचेंगे। तो बिन लेते हैं जल्दी से। यहाँ पर देखिए मैंने बीच के सभी फंदों को सीधा बिन लिया है, 2, 4, 6, 8, 10, और अभी हमें यहाँ पर 2 फंदे और बिनने हैं, 1 और 2। अब देखिए यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10, देखिए 11 फंदे हो गए। अब हमें यहाँ पर देखिए इन दो फंदों को इस तरीके से मोड़ते हुए बिनने हैं। देखिए दो फंदे हमने इस तरफ से मोड़े सीधे करते हुए, इन फंदों को हम इस तरीके से लेंगे और दो फंदों का एक फंदा बना देंगे। ये देखिए अब ऊन अपनी तरफ करेंगे और 7 फंदे उल्टे बिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। लास्ट के ये देखिए जो दो फंदे हैं, देखिए दो फंदों का एक फंदा किया, 7 फंदे उल्टे बिने। अब ये जो दो फंदे हैं हम इन्हें एक साथ बिनेंगे, दो फंदों का एक फंदा बना देंगे, उल्टा ही बिन लेना है हमें। हम बताएंगे आपको कि ये फंदे फिर सीधे कैसे आएंगे। देखिए दो फंदों का एक फंदा उल्टा बिन दिया आपने, दो फंदों का एक फंदा किया। अब देखिए ये फंदा आपको सीधा लाने के लिए क्या करना है, वरना आपका उल्टा उल्टा आएगा। तो पहले फंदे को उतारेंगे और आगे से ऊन को इस तरीके से पीछे की तरफ लाएंगे। अब ये जो 7 फंदे हैं ये हमारे उल्टे ही जाएंगे, यानी कि रॉन्ग साइड की हमें सभी रो को उल्टा बिन लेना है। जैसे हमने बॉर्डर बिना था दोनों तरफ से उल्टा उल्टा, उसी तरीके से ये सभी रो को हमको दोनों तरफ से, जो 7 फंदे इनको राइट साइड से उल्टा बिन लेना है और रॉन्ग साइड से भी हमें इन्हें उल्टा ही बिन लेना है। तो पूरी रो को उल्टा बिनते हुए यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। देखिए हमारी पूरी रो उल्टा बिनकर कंप्लीट कर ली हमने। ये देखिए अब फिर से मैं एक बार आपको बताती हूँ कि कैसे घटाने हैं फंदों को। देखिए अब हमारे शुरुआत के जो 8 फंदे हैं ये उल्टे बिने जाएंगे। पहले फंदे को हम उतारेंगे ताकि हमारी यहाँ पर एक खूबसूरत सी चेन बनकर आ जाए। तो उतारा, ऊन को आगे की तरफ लिया है, फिर 7 फंदों को उल्टा बिनेंगे, 3, 4, 5, 6 और 7। तो टोटल हमारे यहाँ पर कितने हो गए, 8 फंदे। पहला उतारा, 7 फंदे उल्टे बिने, ये पीछे से रॉन्ग साइड से भी हमें इसे उल्टा ही बिनना है। अब फिर से हम दो फंदों को एक फंदा बनाएंगे। देखिए ऊन पीछे की तरफ किया, दो फंदे पलटते हुए सीधे किए, सीधा ज़रूर कीजिए, दोनों फंदों को एक साथ बिन दीजिए, दो फंदों का एक फंदा बनाया। फिर बीच के सभी फंदों को हम सीधा बिनेंगे वहाँ तक जहाँ तक हमारी दूसरी तरफ घटाई ना आ जाए। तो बिन लेते हैं जल्दी से। यहाँ पर देखिए हमने पूरे बीच के सभी फंदों को सीधा बिन लिया। अब ये वाले जो दो फंदे हैं इन्हें हम दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे। देखिए 8 फंदे हम उल्टे बिनेंगे और ये दो फंदे जो हैं इनका एक फंदा बना देंगे। इस तरीके से हमको दूसरी तरफ से मोड़ते हुए सीधा करते हुए बिनने हैं और जो हमारे दूसरा कॉर्नर आएगा उसमें हमें जैसे हम सीधा बिनते हैं उसी तरह से दो फंदों को लेते हुए सीधा बिन देंगे, दो फंदों का एक फंदा कर देंगे। बाकी के 7 फंदे, जो 8 फंदे हैं वो हमारे उल्टे बिन जाएंगे और यह 8वां फंदा। इसको हमें सीधा कैसे करना है इसको ज़रूर ध्यान से देखिए, वरना आपका यहाँ से पूरा उल्टे फंदे आएंगे। देखिए उतारेंगे, ऊन को इस तरीके से लाएंगे पीछे की तरफ, नीचे से नहीं ले आएंगे आगे की तरफ, आगे से पूरा घुमाते हुए सिलाई को पीछे की तरफ ले आएंगे, अपनी तरफ ले आएंगे और फिर सभी फंदों को हम रॉन्ग साइड के सभी रो को हमें सिर्फ उल्टा उल्टा बिन लेना है। देखिए यहाँ पर रॉन्ग साइड पे कुछ नहीं करना है, सभी फंदों को उल्टा उल्टा बिन के कंप्लीट कर लेना है। तो पूरी रो कंप्लीट कर लेते हैं हम उल्टा बिन के। यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमने 4 फंदे घटाए हैं, 2 इस तरफ घटाए, 3 हमने पहली लाइन में हमने 2-2 फंदे घटाए, फिर दूसरी जो हमने घटाई करी तो 2-2 फंदों की करी। तो यहाँ पर हमारे
टोटल 4-6 फंदे घट गए हैं। अब हमें यहाँ पर 18 सलाइयाँ भी लेनी हैं, यानी कि देखिए 1, 2 ये उल्टी जो है वो हमारी 9 सलाइयाँ आनी चाहिए यहाँ पर, देखिए तो 10 फंदे हमारे दोनों तरफ 10-10 फंदे घट जाएंगे। तो बिन लेते हैं, यहाँ पर देखिए मैंने टोटल 9 सलाइयाँ ये उल्टी भी नहीं, देखिए 1 और ये हमारे जो दोनों तरफ के फंदे जो ये वाले हैं ये 9-9 घटे हैं और एक एक फंदा जो हमने शुरू में घटाया था, तो टोटल 10 फंदे यहाँ पर हमारे घट गए। सिलाइयाँ देखिए ये 7, 8, 9। तो यहाँ पर देखिए अब हम गला बनाएंगे। गले के लिए हमें पहले बॉर्डर देना पड़ेगा और बॉर्डर हम उल्टे ही फंदों का देंगे, यानी कि अब हमें जो सिलाइयाँ बिननी हैं वो दोनों तरफ से उल्टी उल्टी बिन लेनी है। घटाई भी करेंगे हम गले की और हम इसे उल्टा उल्टा भी बिनेंगे। कैसे बिनेंगे, तो यहाँ पे हम शुरुआत के तो वही हमारे फंदे रहेंगे, ये हमारे फंदे इसी तरीके से कंटिन्यू चलेंगे। तो पहला फंदा उतारेंगे, 7 फंदे हम उल्टे बिनेंगे, देखिए 7 हो गए हमारे फंदे उल्टे, ऊन पीछे की तरफ करेंगे, अब ऊन पीछे की तरफ सॉरी नहीं करेंगे, पहला फंदा उतारा 7 फंदे उल्टे बिने, ऊन को हमें अब राइट साइड की तरफ ही रखना है क्योंकि हमें इसमें बॉर्डर गले का देना है इस वजह से। तो अब हम इन फंदों को पहले हम पलटते हुए सीधा कर रहे थे, अब हमें इन्हें एक साथ बिन लेना है उल्टा, यानी कि 2 फंदों का एक फंदा उल्टा बिनते हुए कंप्लीट करना है। ये देखिए लिया दोनों फंदों को एक साथ और 2 फंदों का एक फंदा उल्टा बिनते हुए घटा दिया। अब हम बीच के सभी फंदों को उल्टा ही बिनेंगे, इस पर हमें रॉन्ग राइट साइड से भी उल्टा बिनना है और रॉन्ग साइड से भी उल्टा बिन लेना है, जैसा हम बॉर्डर बनाए थे या जैसा हमने अभी घटाई में बिना था उसी तरीके से उल्टा और सीधा ही बिन लेना है। बस आपको थोड़ा सा फंदे जब आप घटाएंगे तो थोड़ा सा ध्यान देना है। तो बीच के फंदे उल्टे बिने, अब देखिए यहाँ पर हमारे ये जो 2 फंदे हैं जो हम 2 फंदों का एक फंदा अभी तक घटाते आ रहे थे उनको अभी घटाना है, लेकिन अब हम उन्हें उल्टा घटाएंगे, यानी कि 2 फंदे उल्टे एक साथ लेते हुए बिन देंगे। फिर हमारे जो 8 फंदे पीछे वाले हैं ये हमारे सेम उल्टे ही बिने जाएंगे। तो यहाँ पर हम गला हमने शुरू कर दिया है, गले के बॉर्डर के लिए हमने शुरू कर दिया है रो बिनना। रॉन्ग साइड के आपको सभी रो को उल्टा ही बिन लेना है जिस तरीके से अब तक हम बिनते आ रहे हैं। ऊन को देखिए हमें पहला उतारते हुए फंदा इस तरीके से लाना है, फिर सभी फंदों को उल्टा उल्टा जल्दी से बिन लेना है। इसको बनाना इतना ईजी है कि आप एक दिन में ही इसे बना लेंगे, अगर आप बहुत स्लो भी बिनते तब भी आप इसको 2 दिन में बना लेंगे। बहुत हल्की सर्दियों में आप इसे बच्चे को पहना सकते हैं इस तरीके से। देखिए पूरी सिलाई को हम, ये देखिए राइट साइड से हमारी उल्टी उल्टी आ गई, तो कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से देखिए हमारी सिलाई आई है राइट साइड से और रॉन्ग साइड से, दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बिना है हमने। अब हम फिर से सेम बिनेंगे, यहाँ पर पहले फंदे उतारेंगे ऊन आगे की तरफ लाएंगे, 7 फंदे हम उल्टे बिनेंगे। सात फंदे उल्टे बिने, देखिए अब हम ये वाले जो 2 फंदे हैं इन 2 फंदों को एक साथ बिनेंगे, 2 फंदों का एक फंदा बना देंगे इस तरीके से और उल्टा ही बिन देंगे। बीच के सभी फंदों को हमें उल्टा बिन लेना है दूसरी तरफ की घटाई आने तक। तो सभी फंदों को उल्टा और जल्दी से बिन देंगे। यहाँ पर हम ये जो बॉर्डर बनाएंगे वो 8 सिलाइयों का बॉर्डर बनाएंगे और 10वीं जो हम सिलाई बिनेंगे उसमें हम घटाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम फिर से 2 फंदों का एक फंदा बना देंगे उल्टा बिनते हुए, बाकी हमारे जो ये 8 फंदे ये हमारे सेम इसी तरीके से चलेंगे, इनमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। ये हमारी लास्ट में जो हमारी वो स्लीव्स है वो बनेंगी, तो इस वजह से हम इनको सेम ही रखेंगे। बस आपको यहाँ पर इस फंदे को सीधा, देखिए यहाँ पर ये सीधी बिल्कुल जो सिलाई आ रही है ये आनी चाहिए, देखिए इस तरीके से आप उतारेंगे फंदे को ये, और इस तरीके से ऊन आगे की तरफ लाएंगे, आगे से ही ऊन को नहीं मोड़ देंगे, पूरा ऊन घुमाते हुए पीछे से आगे की तरफ लाएंगे। रॉन्ग साइड की रो को हम पूरा उल्टा बिनते हुए कंप्लीट कर लेंगे, ये देखिए इस तरीके से। तो कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ तक, अब यहाँ पे देखिए हमने रो कंप्लीट कर ली है और यहाँ पर हमने 2 लाइनों का बॉर्डर बनाया, देखिए 1, 2। अब इसके ऊपर हम फिर से 2 लाइनें सेम इसी तरीके से और बनाएंगे। टोटल हमारी जो ये उल्टी सिलाइयाँ ये 4 आनी चाहिए, देखिए 1, 2 हमने बिन लिया, 2 और बनाएंगे, यानी कि 4 सिलाइयाँ हम अभी और बनाएंगे और 4 फंदे हम यहाँ पर भी और घटाएंगे, 2 इस तरफ और 2 इस तरफ। तो जल्दी से बना लेते हैं यहाँ पर दोनों तरफ उल्टा बिनते हुए।
यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हमारा जो पूरे अब कंधे की घटाई पूरी हो गई है, और देखिए 1, 2, 3, 4 सिलाइयाँ मैंने यहाँ पर बॉर्डर के लिए बना ली हैं। और जो अब हम नवी सिलाई जो हम बॉर्डर के लिए बिनेंगे वहाँ पे अब हम घटाई नहीं करेंगे। तो यहाँ से लेके देखिए मेरी टोटल है 1, 2, 3, 4 13 सिलाई लमसम है यहाँ पर देखिए। अब हम देखिए जो ये, अब हम यहाँ पर राइट साइड से गले को नहीं घटाएंगे, रॉन्ग साइड से घटाएंगे। तो हमें यहाँ पर कैसे बिनना है, अब हम इस पूरे फंदे को सेम बिन देंगे, यानी कि ये हमारी नवी सिलाई है बॉर्डर के लिए, जो हमने गले की बॉर्डर के लिए दे रही है वो हम नवी सिलाई हम बिन रहे हैं। और पूरी ही सिलाई को हमें सिर्फ उल्टा बिन देना है राइट साइड से, अब जो हम दो दो फंदे एक साथ बिन रहे थे उन्हें नहीं बिनना है हमें, क्योंकि फिर हमारा जो सामने का पोर्शन है वो बहुत छोटा हो जाएगा। तो यहाँ तक हमें सिर्फ उल्टा उल्टा बिन लेना है, फंदा नहीं घटाएंगे, रॉन्ग साइड की तरफ से हम गले को घटाएंगे। तो यहाँ पर हम पूरी सिलाई को सिर्फ उल्टा उल्टा बिन लेंगे, फंदा हम नहीं घटाएंगे जो हम राइट साइड से घटा रहे थे। देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर घटा, पूरा जो सिलाई है वो बिन ली है। अब हम रॉन्ग साइड की तरफ आएंगे, अब यहाँ पर हम गले को घटाएंगे। तो सबसे पहले जो हमारे 8 फंदे हैं ये हम सेम बिनेंगे, यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, इस तरह फंदा उतारेंगे देखिए, और ऊन को अपनी तरफ लाएंगे, 7 फंदे उल्टे बिनेंगे, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो टोटल हमारे 8 फंदे हो गए, पहला उतारा, 7 फंदे उल्टे बिने। अब हमारे जो बीच के, देखिए यहाँ के हमें 8 फंदे छोड़ देने हैं और जो बीच के फंदे हैं वो हमें घटा देने हैं सभी फंदों को। तो हम 2 फंदों को एक साथ बिनेंगे, 2 फंदे एक साथ बिने, और फिर यहाँ पर देखिए इस फंदे को इस तरह से लेंगे और थोड़ा सा हल्का ढीले हाथों से घटाएंगे, बहुत ज़्यादा टाइट खींच खींच के नहीं घटाएंगे। फिर 2 फंदों को एक साथ घटा देंगे, फिर ऊन को दूसरे फंदे को एक साथ लेंगे, फिर इस तरह अगर आप चाहें तो एक एक फंदा क्रॉस करते भी छोड़ सकते हैं, एक आप 2 फंदों को बिन लीजिए फिर पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे से क्रॉस करते हुए छोड़ दीजिए, तो इस तरीके से भी घटा सकते हैं, या 2-2 फंदों को इस तरीके से एक साथ लेके भी घटा सकते हैं, आपकी मर्जी है। ये आप जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे घटा दीजिए फंदों को, ऐसे ईजी रहेगा, या आप क्रॉस करके ही फंदों को घटा सकते हो। यहाँ पर 2, 4, 6, 8 अभी हमारे 3 फंदे और घटने, बीच के आपके सभी फंदों को, आपके 10 से 10 फंदे शायद आएंगे, मैंने गिने नहीं थे, 10 फंदे आएंगे, वो सभी फंदों आपको बीच में घटा देने हैं, 2, 4, 6 और 8 लास्ट का फंदा हम घटा देंगे इस तरीके से। अब ये जो 8 फंदे हमारे, ये देखिए 2, 4, 6 और 8 8 फंदे जो हमारे ये वाले हैं इनको हम उल्टा बिन देंगे। तो यहाँ पर हमारा देखिए गला जो है वो हो गया, यहाँ पर देखिए गला हमारा बन गया। अब हम ये जो बद्धी वाले हैं, ये जो साइड के कंधे हम बनाएंगे, ये देखिए इस तरीके से गला घटाए, ये हमारे जो कंधे हैं वो इसी तरीके से बिनेंगे, यानी कि आपको सिर्फ इसी फंदों को बढ़ा लेना है, 18 सिलाइयाँ आपको एक तरफ बिनी, यानी कि 9 आपकी जो उल्टी रोज आनी चाहिए। पहले फंदे को उतारेंगे और दोनों तरफ से हम इसे उल्टा उल्टा बिन लेंगे, आपको यही 8 फंदे पहले बिनने हैं जहाँ तक आपको इसकी लंबाई लेनी है, दूसरे कंधे को हम ऊन को काट के वहाँ से फिर से जोड़ के बिनेंगे। 8 फंदे बिने, सिलाई को मोड़ेंगे, उल्टी तरफ आएंगे और फिर से 8 फंदे उल्टे ही बिनेंगे, पहला फंदा उतारेंगे और उतारा पहला फंदा, आगे की तरफ ऊन लाए और 7 फंदे उल्टे बिनेंगे। तो आपको यही रो बिन लेनी है अब दोनों तरफ से उल्टा उल्टा। अब यहाँ पे मैं आपको सिलाइयाँ बता देती हूँ कि आप कितनी बिनेंगे, आप इस सिलाइयों को कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं, आपको थोड़ा अगर लंबी बद्दी रखनी है तो आप इसको लंबा 10 सिलाइयों का भी बना सकते हैं, 12 का भी बना सकते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा फिर, बस आप जितना बता रही हूँ उतना ही बनाएंगे तो सही है, वरना आप 2 सिलाइयाँ और बढ़ा सकते हैं या 2 सिलाई घटा सकते हैं। बाकी 8 फंदे हमारे दोनों तरफ से उल्टे ही बिने जाएंगे। अब हम इन्हें इसी तरीके से कंटिन्यू रखेंगे, तो टोटल यहाँ पर हमारी जो उल्टी सिलाइयाँ आएंगी राइट साइड से वो हमारी 9 आएंगी, यानी कि हमें राइट साइड और रॉन्ग साइड दोनों को मिला के 18 सिलाइयाँ बिन लेनी है उल्टी उल्टी दोनों तरफ से इस तरीके से। देखिए ये देखिए यहाँ पर हम बिन रहे हैं इस तरह, तो 2 हमने बिन ली हैं
ये देखिए दो हमने बिल्ली, 7-14 सिलाइयाँ हम और बिनेंगे, यानी कि 7 हमारी उल्टी तरफ से आएंगी। इसी तरीके से आप यहाँ पर दोनों बद्धियों को बराबर से बिन लीजिए। ये देखिए यहाँ पर हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरफ बिनी है, यानी कि 18 सिलाइयाँ गला घटाने के बाद, और 18 ही सिलाइयाँ हमने इस तरफ बिनी हैं। तो दोनों तरफ हमने 18-18 सिलाइयाँ बिन के हमारा गला कंप्लीट हो गया। अगर आपको छोटा लग रहा है तो आप यहाँ पर 2-2 सिलाइयाँ और बिन दीजिए, यानी कि 10-10 आपकी उल्टी सिलाइयाँ आ जाएंगी। इसी तरीके से सेम आपको बैक साइड का पार्ट कंप्लीट कर लेना है, कोई भी चेंजिंग नहीं करनी है, बस आपको सेम इसी तरीके से फंदों को लेते हुए, फंदों को घटाते हुए और सेकंड पार्ट को कंप्लीट कर लेना। यहाँ पे देखिए मैंने कर रखा है सेकंड पार्ट कंप्लीट, ये दोनों बिल्कुल सेम बनेंगे, कोई भी चेंजिंग नहीं होगी दोनों फंदों पे, सिर्फ सेम सेम आपको बिन देना है, एक जैसे पल्लों को बिन देना है। सीधे फंदों को हम, सीधा जो पल्ला है इसे हम अंदर की तरफ रखेंगे, अब हम इसे ज्वाइन कर देंगे कंधे से, तो सीधा सीधे फंदों को जो पल्ले हैं वो अंदर कर देंगे, उल्टे उल्टों को ऊपर की तरफ कर देंगे। अब गला, ये जो कंधे हैं मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ कैसे जोड़े जाते हैं, लेकिन फिर भी एक बार और बता देती हूँ। दोनों ही फंदों, दोनों ही सिलाई को के फंदों को एक साथ लेना है और उल्टा बिन देना है इस तरीके से। दो फंदे आपने उल्टे बिने, अब पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे से क्रॉस करते हुए छोड़ देना है। फिर से दो फंदे सिलाई से एक साथ लेंगे और उल्टा बिनेंगे, और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे से क्रॉस करते हुए छोड़ देना। बहुत ही ईजी होता है इससे, जब आप गला, जब वो गला या स्वेटर का बना रहे हो या आप मिडी का बना रहे हो, किसी भी चीज़ का स्वेटर गला जब आप जोड़ रहे हो तो इस तरीके से जोड़िए, तो ऊपर की तरफ बिल्कुल भी ना वो मोटा मोटा सा नहीं आता, जैसे कई लोग सिल देते हैं। सिलने की बजाय अगर इस तरीके से आप जोड़ देंगे तो बिल्कुल सफाई से जुड़ेगा और बहुत ही खूबसूरत आएगा वहाँ पर बन के। तो इस तरीके से आप दो फंदों को एक साथ लीजिए, दोनों फंदों को उल्टा बिन दीजिए इस तरीके से, और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे से क्रॉस करते हुए छोड़ दीजिए। लास्ट के दो फंदे हैं हमारे, इनको भी हम इसी तरीके से बिन लेंगे। देखिए दो फंदे लिए एक साथ, उल्टा बिना और पीछे वाले फंदे से क्रॉस करते हुए छोड़ देंगे। और जो लास्ट का फंदा है इसमें हम ऊन कट करते हुए दोनों ही फंदे, जो हमारी ऊन है इसको हम निकाल लेंगे कट करके, तो ये टाइट हो जाएगा, यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर ऊन कट कर देते हैं इस तरीके से, और यहाँ पर ये जो हमारा ये फंदा है इस फंदे से हम दोनों ऊन को जब निकालेंगे तो ये बिल्कुल टाइट हो जाएगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा लंबा मत काट लीजिए, वरना वो आपका एक्स्ट्रा ही जाएगा ऊन, और वहाँ पर आप कहाँ एडजस्ट करेंगे उसे। तो हल्का सा ऊन, बस उतना ही कि आपका यहाँ पर अंदर की तरफ दब जाए, इतना ऊन कट कर लीजिए और इस तरीके से देखिए फिक्स कर दीजिए। ये अब यहाँ से ये नहीं खुलेगा बिल्कुल, और ये देखिए कितनी सफाई से जुड़ा है, ये बिल्कुल बच्चे के कंधे के ऊपर नहीं लगेगा। यहाँ पर इस ऊन को हम इसके अंदर दबा देंगे, तो यहाँ पर हम दूसरे कंधे को भी इसी तरीके से जोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए इसको हम जोड़ देंगे सेम उसी तरीके से जैसे हमने वो वाला कंधा जोड़ा, इसी तरीके से ये भी जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पर हमने दोनों कंधे जोड़ दिए हैं, अब आपको सिर्फ इसे सिल लेना है साइड से, जहाँ से आपने कंधे का पहला फंदा घटाया था वहाँ पर आपको दोनों तरफ से सिल लेना है। देखिए कितने साफ जुड़े हैं हमारे कंधे। यहाँ पर देखिए आपको इस तरीके से बॉर्डर मिलाना है और बराबर से लेते हुए बिल्कुल एक एक फंदा जो आपका लास्ट में उतारते हैं जिस फंदे को, आपको सिर्फ वही फंदा सिलना है, ज़्यादा गहराई से मत सिल दीजिए वरना छोटा हो जाएगा। तो ये सिर्फ पहला फंदा आपको ले लेना है और दोनों तरफ से जहाँ पर हमने आस्तीन के लिए पहला फंदा घटाया था वहाँ तक सिर्फ आपको सिलना है। तो सिल लेते हैं जल्दी से। यहाँ पर देखिए बिल्कुल कंप्लीट हो गया है सिल के, और कितना खूबसूरत बना है, बहुत ही इजी है। आप इसे प्लेन बना सकते हैं या आपके पास जो भी कलर बचे हो थोड़े थोड़े से उसे मिला के बना सकते हैं, आप इसे बड़े के लिए बना सकते हैं। आने वाले वीडियो में मैं आपको लिए एक टी शर्ट लेकर आऊँगी बड़े बच्चे के लिए, देखना कितनी खूबसूरत होगी वो, इसी तरीके से होगी, कुछ थोड़ा सा चेंजिंग लेंगे हम उसमें। तो खूबसूरत बनी है, बहुत प्यारी बनी है, आप इसे बेबी के लिए बना सकते हैं, पूरा सेट भी बना सकते हैं। आई होप आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए, एक बार इसे ज़रूर बनाइए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।